मृत्यु पर भोज हो ये कदापि उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं। भोज तो किसी उत्सव में होता है ना, ये मातम में भोज कैसे होगा? जहाँ पर अभी हमारे साथ पीरपैंती विधानसभा के इंजीनियर ललन कुमार जी, विधायक जी हमारे साथ हैं। इनकी माँ का देहांत 6 अक्टूबर को हो गया था, लेकिन बड़ा बात ये है कि कुछ चेंजेज ये करने जा रहे हैं, जैसे कि मृत्यु भोज होता है जिसको कि शांति भोज कहते हैं, तो इनकी माँ का जो देहांत हुआ है इसमें शांति भोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है? ये आदिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो ये नहीं कर रहे हैं? विधायक जी से हम खुद इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बाकी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सी टीवी में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारी एक अपील है कि किसी भी दृष्टिकोण से मृत्यु भोज उचित नहीं है। मृत्यु भोज एक गम का है, एक परिवार बिछड़ता है। आपको जानना चाहिए कि पिछले 11 सितंबर को मेरी बड़ी बहन, 6 भाइयों की इकलौती बड़ी बहन थी, जो रेलवे स्कूल में आद्रा में टीचर थी, वो चली गई, अचानक से हार्ट फेलियर हुआ। उसके गम में मेरी माँ 25 दिन बाद 11 अक्टूबर को वो चली गई, अचानक से चली गई। और अभी पूरा गम का माहौल है, पूरी तरीके से परिवार अस्त व्यस्त है, और ये किसी के यहाँ भी, और ये मृत्यु पर भोज हो ये कदापि उचित नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। एक अमानवीय है, एक जिस तरह से दहेज पड़ता है, कोड है, एक सामाजिक कोड है, उसी तरह से मृत्यु भोज एक सामाजिक कोड है। आप कहीं जगह पर आप देखें कि इसका बहिष्कार बहुत पहले हो चुका है, और हम जो समाज की स्थिति है, आप जानते हैं कि आप चले जाएं, हमारे समाज में इतनी गरीबी है कि 70% ऐसे घर हैं कि उसके घर अगर अचानक से कोई मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो मुश्किल से कफन खरीदने का पैसा नहीं होता है। उनको घाट तक ले जाने से गाड़ी है, सवारी है, लकड़ी है, कफन है, बाकी जो खर्चे हैं, कम से कम गरीब से गरीब परिवार का सिर्फ दाह संस्कार में कम से कम 20,000 रुपया खर्च होता है, और वहीं से उनको कर्ज शुरू हो जाता है, और श्राद्ध खत्म होते होते सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने कि मृत्यु भोज का, खत्म होते वो लाखों के कर्ज में दब जाते हैं। एक तो परिवार बिछड़ा सदा के लिए, दूसरा मृत्यु भोज के बाद शराब के बाद। सारी बातें को आपका, सारी आपका जितना भी बात है उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आम पब्लिक के मन में उठता होगा। सवाल ये है कि आदिकाल से चलते आ रहा है, एक जमाने से चलते आ रहा है, रीति रिवाज है, लेकिन फिर भी ऐसा कदम आप विधायक होके उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप जान लीजिए कि हमारी बहन कबीरपंथी परिवार से है, उनके ससुराल में लोग किशोरी दास, उनके दादा ससुर होते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, विपिन बिहारी दास जी टीचर थे, मैं दीदी के सास ससुर दोनों हेडमास्टर, चचिया सास ससुर सब हेडमास्टर, परिवार में सेल में जीएम, ये सब अच्छे रैंक पर है। तो कबीरपंथ थे, उनके परिवार में समाधि बनी है, भागलपुर जिला के स्वरूपचक गांव है, माने मुरहन पंचायत के, वहाँ पर उनकी समाधि बनती है, उनका थल समाधि हुई है। परिवार में जो सक्षम नहीं है उनका जल समाधि होता है, तो उनके उनकी आप बगल में आपको हम दिखाएंगे, वहाँ समाधि उनकी बन रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से जो तिरहवी करते हैं, वो सारा कुछ होगा, वो सारा संस्कार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शांति भोज नहीं होगा, शांति मृत्यु भोज नहीं होगा। उसको नाम दिया गया कि आवरण पहलाएगा शांति भोज का, क्या शांति? किसी परिवार को, किसी के घर में मृत्यु होती है, उसको कर्ज में डाल करके, या डिनर, भोज तो किसी उत्सव में होता है ना, ये मातम में भोज कैसे होगा? जहाँ पर विधायक जी आपको क्या लगता है कि जो आपका ये पहल है ये बड़े स्केल तक जाएगा? ये हम नहीं जानते हैं, आपको बताते हैं ना कि जिस समय किसी भी कुरीति के खिलाफ खड़ा होता है ना, तो लोग सोशल इसको स्टेटस बना लिया है ना, स्टेटस सिंबल है, इतने लोगों को भोज करना, इतने हजार को खिलाना, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल ही तो सामाजिक रूढ़िवादता कुरीति को जन्म देता है, इसको स्टेटस सिंबल है। हम लोग नहीं करें, ऐसा नहीं है, हम लोग जितने लोग हमारे घाट पर गए थे, 200-300 लोग थे, वही हमारे बांधव हैं, जो घाट तक जाते हैं ना, शास्त्रम कहा गया, जो घाट तक जाए, जो संकट में खड़ा रहे, उत्सव में खड़ा रहे, वही बंधु, वही भाई है।
तो जो लोग हमारे घाट पर गए थे अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में माता जी के, वो रहेंगे। हमारे जो गोतियां हैं, जो मेरा ब्लड रिलेशन, वो रहेंगे। हमारे जो फैमिली फ्रेंड है वो रहेंगे। अब मेरे जो सीधे रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट का जिसके साथ रिश्तेदारी है, वो रहेंगे। वो 250-300 लोगों के सानिध्य में, उनके देख रेख में सारा कार्यक्रम, 13वीं का कार्यक्रम संपन्न होगा मेरे आवास पर। और मतलब जो आपके, आपका बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, जो घाट पे गए और जो आपके गोतियां होंगे, उनके लिए शांति भोज होगा? नहीं, भोज नहीं होगा उनके लिए, वो साथ रहेंगे। भोज नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ। आज भी हम लोग खाना खाते हैं ना। हाँ, हाँ। आज भी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो सामान्य तरीके से जो घाट पर गए, जो हमारे साथ माँ के अंतिम यात्रा में शामिल हुए, दाह संस्कार में शामिल हुए, जो बाहर थे, वो हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं, वो लोग हैं, उन लोगों के सानिध्य में हमारा जो गोतिया है, ब्लड रिलेशन, उनके सानिध्य में हमारे जो फैमिली फ्रेंड है उनके सानिध्य में, और हमारे जो क्लोज रिश्तेदार हैं, वो चैनल वाले ने क्लोज, उनके सानिध्य में जो 200-250 लोग हैं, उनके सानिध्य में 13वीं का कार्यक्रम संपन्न होगा। और भोज नाम की कोई चीज नहीं होगी। और इतना ही नहीं, हम फिर पैती विधानसभा सहित समस्त देशवासियों से कहते हैं, जिस तरह से मैं संकल्प ले रहा हूँ, न मृत्यु भोज खिलाऊंगा और न कभी मृत्यु भोज खाऊंगा, तो मैं पीरपैंती विधानसभा की देवमय जनता के साथ साथ पूरे देशवासियों से, खासकर अपने चाहने वाले से, खास करके दलित, पिछड़े, गरीब समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, जो मृत्यु भोज के कारण कर्ज में डूबते हैं, तरह तरह की परेशानी होती है, तो परिवार बिछड़ जाता है, ऐसे लोगों से कहते हैं, आप भी संकल्प लीजिए, न मृत्यु भोज खिलाइए न मृत्यु भोज खाइए। दहेज प्रथा के तरह मृत्यु भोज भी एक सामाजिक कोड है, सामाजिक कुरीति है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, इसको जड़ से मिटा देना है। कई राज्यों में तो कानून बन गया है कि मृत्यु भोज आप कर नहीं सकते। कई बड़े लीडर ने मृत्यु भोज का, अभी देखिए, मैंने सफाई में देखिए, पूरा मातम वहां कोरबा चौथ नहीं मनाया गया नेताजी के जाने के बाद, सदे मुलायम सिंह जी गए, कोई वहां मृत्यु भोज नहीं हो रहा है। इसके देखिए समाजवाद के, मैंने नीव जो है हमारे आइकॉन डॉक्टर रामलाल लोहिया का, सर आप जो बताए कि ना मृत्यु भोज खाएंगे ना खिलाएंगे, अभी से पहले आपने मृत्यु भोज खाया है? हाँ, खाते यार है ना, कुरीति लेकिन, लेकिन लेकिन अब मतलब इसमें चेंजेस हमने महसूस किया है। हमने गरीब से गरीब आदमी को देखे हैं, जो महसूस किया है कि अच्छा, फलाना 5000 आदमी खिला था, हम 1000 खिलाएंगे, 2000 खिलाएंगे। अब अपने समाज में अपने को स्थापित बनाए रखने के लिए लोग कर्ज पर कर्ज में डूबे जाते हैं और कुरीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कुरीति को रोकना, यह कोड है, सामाजिक कोड है। इसलिए हम अपनी माँ के को साक्षी मानकर, माँ की सौगंध खाकर और माँ के से ही हम इनके जो 13वीं से हम ये संकल्प लेते हैं कि न मृत्यु भोज जीवन में कभी खिलाएंगे और न खाएंगे। और ये हम अपने चाहने वालों से भी अपील करते हैं, अपने क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से, राज्यवासियों से अपील करते हैं, न मृत्यु भोज खाइए न मृत्यु भोज खिलाइए। हाँ, उनके दुख सुख में जाएंगे, हम हम नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, हम किन्हीं के यहाँ मृत्यु होती है, हम लोग जाते ही हैं, लेकिन हम जो अगर कोई मृत्यु भोज करेंगे, उनके भोज से पहले या भोज से बाद जाकर अपनी हम संवेदना व्यक्त करेंगे, सहानुभूति व्यक्त करेंगे, जितनी हो सकेगी हमारी क्षमता के अनुसार उनको हम मदद भी करेंगे, लेकिन उनके बाकी आप देख लीजिए। विधायक जी से बात कर रहे थे, ये कहे कि ना भोज खाएंगे मृत्यु में ना खिलाएंगे। और एक बात यहाँ पे, ये सच्चाई है कि जो गरीब लोग हैं कर्ज में डूब जाते हैं, ये बात सच्चाई, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना भी चाहिए। इस चीज का हमें भी मतलब लगता है हमको कि इसमें बदलाव होना चाहिए इसमें। और एक बात जान लीजिए, मैं राज्य का, देश का सबसे गरीब विधायक हूँ। मैं जब चुनाव लड़ा था, मैंने इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दायर किया, मेरी 928 रुपए मेरे पास जमा पूंजी, न कोई बैंक बैलेंस, न एफडी, न कोई प्लॉट, न कुछ गहना, न जेवर, कुछ भी नहीं। आप बताइए कि हम आज विधायक हैं, हमारा 1,00,000 समथिंग रुपया सैलरी है, विधानसभा से गाड़ी लोन लेकर लिए, 37,000 रुपया उस गाड़ी में कट जाता है, 10-20,000 तेल के खर्चे होते हैं, 40-50,000 रुपया बचता है, उसमें परिवार चलता है, पार्टी चलती है, मैंने कार्यकर्ता चलते हैं, और आज हम 5,000-10,000 लोगों को भोज कहाँ से खिला, कोई भी। आप मेरे जैसे आदमी को परेशानी है, मेरे जैसे जब मैं विधायक हूँ, मेरा प्रभाव है, अपने प्रभाव से चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तब मुझे परेशानी हो रही। एक आम आदमी को कितनी परेशानी, मैं तो कहता हूँ ना कि कितने लोग हैं, 70% हमारे गरीब समाज में, खास करके दलित पिछड़े समाज में, शोषित समाज में हैं, कि उनको मुश्किल से घर में कफन खरीदने का पैसा होता है, उनको घाट तक जाने का नहीं होता है, वो जैसे मृत्यु उसी समय से कर्ज उसका स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो ये देखा जाए कि गरीब लोग
अगर अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम है, लाख दो लाख रुपए पहले बचाने में लगा दिए, फिर मृत्यु हो गया, मृत्यु का बोझ अलग से करे, तो सही कहीं ना कहीं कहना आपका सही है, गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे आप एक दिन जान लीजिए कि ये सत्य होता है ना, एक दिन स्थापित होता है। आपने, मैंने कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, मैंने इन्हें क्या कहा कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो के बारे में कहा, गैलीलियो ने सामाजिक मान्यता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया और बताया कि देखो सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी चक्कर काटे तो उसको फांसी पर लटका दे, मृत्यु दंड दिया लोगों ने, लेकिन आज गैलीलियो को माना जा रहा है। हो सकता है मेरे इस फैसले के खिलाफ लोग जाएंगे, तरह तरह की आलोचना करें, हमको गाली बकेंगे, हमको समाज विरोधी कहेंगे, उसे लेकिन नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन एक न एक दिन समाज से यह कोड सदा के लिए समाप्त होगी, और मैं जब तक जीवित हूं मेरा प्रयास रहेगा, और हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने हमारे जो बाल बच्चे उनको भी सिखा के जाएंगे कि मृत्यु भोज न खाना है न खिलाना है, और इसके खिलाफ अभियान लगातार जारी रखना है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पीरपैंती विधानसभा के विधायक जी थे इंजीनियर ललन कुमार। बाकी इस वीडियो को देख के आपको क्या सीख मिला, कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।